जिला नुहू में हुई हिंसा से जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जिला नुहू के सभी चौक चौराहों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धार्मिक भवनों के समीप पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक नुहू श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने कहा कि जिले में अमन शांति बनाए रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें जिला पुलिस के लगभग 1900 जवानों के साथ साथ बीएसएफ की एक कंपनी, सीआरपीएफ की एक कंपनी, आईटीबीपी की दो कंपनी, आरएएफ की 10 कंपनी, आईआरबी की 6 कंपनी, फरीदाबाद पुलिस की 2 कंपनी, रेवाड़ी एक कंपनी, झज्जर एक कंपनी, रोहतक एक कंपनी, गुरुग्राम से 2 कंपनी, एचएपी की 3 कंपनियां, नारनौल से 2 कंपनी, इंटरमीडिएट स्कूल फॉर सुनारिया रोहतक की 10 कंपनी तैनाती की गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से कानून व्यवस्था बनाने की सहयोग की अपील कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की झूठी खबर, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली, धर्म जाति वर्ग विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली, भ्रामक जानकारी फैलाने वाली, जन भावनाओं को आहत करने वाली, लोक शांति भंग करने वाली पोस्ट, फोटो या वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड या शेयर बिल्कुल ना करें। ऐसे लोगों पर पुलिस, खुफिया तंत्र, गुप्तचरों और साइबर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने या ऐसी पोस्ट का कमेंट, लाइक और फॉरवर्ड करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही अपील की है कि आमजन फेक न्यूज, भ्रामक खबरों, अफवाह फैलाने वालों के बहकावे में न आए, कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कानून व्यवस्था खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।